सोलन में भाजपा सोलन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश कश्यप ने नगर निगम में नियुक्त किए 5 मनोनीत पार्षदों का स्वागत किया। मनोनीत पार्षद नियुक्त करने के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मनोनीत पार्षद नगर निगम में आने से भाजपा में नए रक्त का संचार होगा और नई ऊर्जा मिलेगी। मनोनीत पार्षद सोलन के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि सोलन नगर निगम में संजीव मोहन, शकुंतला शर्मा, दिनेश कुमार, प्रियंका अग्रवाल को उन वार्डों में तैनात किया गया है जहां से भाजपा पार्षद जीत नहीं पाए हैं। अब यह पार्षद उस कमी को पूरा करेंगे। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन मंत्री पवन राणा और शीर्ष के नेताओं का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनके द्वारा सोलन नगर निगम को 5 मनोनीत पार्षदों का तोहफा दिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम सोलन में विकास की कोई कमी ना रहे और विकास के रास्ते में धन की कमी ना आए, इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा करीबन 9 करोड़ की राशि दी गई है। उससे पहले भी प्रदेश सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम को उपलब्ध करवाई गई थी, जिससे साबित होता है कि सोलन का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें भाजपा सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। भारतीय जनता पार्टी सोलन की ओर से माननीय ठाकुर जयराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सोलन नगर के लिए 5 जो है नॉमिनेटेड पार्षद अभी 2 दिन पहले जो है नॉमिनेट हुए हैं। मैं साथ ही साथ अपने प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी और हमारे संगठन मंत्री पवन राणा जी, उनका भी धन्यवाद करता हूं और सभी शीर्ष नेतृत्व का कि सोलन के लिए जो एक विशेष ध्यान दिया गया है उसके लिए धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं श्री सुरेश भारद्वाज जी, उनका भी जो है धन्यवाद करता हूं और अपने डॉक्टर राजीव सैजल जी का। और इसी विषय में मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है सोलन नगर निगम के लिए और सोलन वासियों के लिए विशेष ध्यान रख रही है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है 8.85 करोड़ रुपए जो है सोलन नगर निगम के लिए दिया गया है। उससे पहले 2.86 करोड़ रुपया जो है वो नगर निगम के लिए आया था। तो इस तरह से जो है वो किसी भी तरह की जो राशि है सरकार की तरफ से जो आनी है वो लगातार जो है उसका फ्लो बना हुआ है और सोलन की जनता का जो है सोलन का विकास किस तरह से हो उसमें माननीय ठाकुर जयराम जी जो है विशेष ध्यान दे रहे हैं, विशेष ध्यान रख रहे हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।